अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेवाड़ी शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर रहने वाले मध्य प्रदेश निवासी एक श्रमिक के दो बच्चे मंगलवार शाम को घर से नजदीक की दुकान के लिए निकले थे, लेकिन वहां रास्ता भटक कर रोड पर पहुंच गए। शाम को जब पुलिस गश्त पर थी तब दोनों बच्चों को बरामद कर लिया तथा उसकी जानकारी आसपास के थानों में दी गई। घटना के समय बच्चों के माता पिता मजदूरी पर गए हुए थे। शाम 6:30 बजे जब वो घर पहुंचे तब उनके बच्चे गायब मिले। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी रामपुरा थाना पुलिस को दी। रामपुरा थाना पुलिस ने मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद बच्चे के बारे में पता चला। घटनाक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी हरिराम उसकी पत्नी सुबह काम पर चले गए थे, उसके दोनों बच्चे घर पर ही थे। शाम को घर के पास ही स्थित दुकान पर गए थे, वहां से रास्ता भटक गए। पुलिस द्वारा बच्चों को बरामद करके बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की मौजूदगी में बच्चों को उसके परिजनों को सौंप दिया। जी आपका राजू। राजू आज बच्चे गुम हुए थे, आपके भतीजे भतीजी थी, कैसे मिले आपको, कैसे कहाँ गुम हुए थे? सर मैं और मेरा भाई काम पे गए थे तो बच्चे 3 बजे से गुम हो गए। गुलाई बाग मोहल्ले में खेलते रहे, 3 बजे से बच्चे गायब। जब शाम को सर हम 5:30 बजे काम से वापस घर आए तो पता लगा कि बच्चे नहीं हैं। बच्चों को सारे मोहल्ले में ढूंढा हमने, मोहल्ले के ढूंढने के बाद बहुत घबरा गए हम, तो चिंतित हुए। जाके पुलिस के द्वारा सर हमारा बच्चे घर में पहुंचे। बच्चे गुम हुए थे वो मिले, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हाँ बच्चे मिल गए जी, रामपुरा थाने से खबर आई हमारे पास कि ऐसे ऐसे गुलाब विभाग के MP के हैं ये मजदूर और उनके दो बच्चे। क्या नाम था बच्चों का? लड़की का नाम तो है मोहिनी और लड़के का नाम है मुकुंदा। हाँ उनको उनके पार्सल में को ढूंढते ढूंढते गुलाब विभाग तक पहुँच गए और उनके यहाँ बुला के CWC के समक्ष पेश करके उनके। रेवाड़ी से दिनेश चौहान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।